आंखों पर चश्मा, बदन पर खाकी, वर्दी पर चमचमाते स्टार और एक गजब का रुआ। कोई इन्हें सिंघम कहता है, कोई सिम्बा, तो कोई कहता है दबंग। लेकिन इनकी पहचान इतनी भर नहीं। इनके बारे में जानेंगे तो वर्दी से पहले इनकी कहानी को खड़े होकर सल्यूट ठोकेंगे। नाम है मनोज कुमार शर्मा। ये महाराष्ट्र पुलिस के एक जाबाज अफसर है। आईपीएस शर्मा की कहानी को विस्तार से बताएं, उससे पहले मनोज शर्मा की पहचान का ट्रेलर देख लीजिए। 9वीं क्लास में थर्ड डिग्री, 10वीं क्लास में भी थर्ड डिग्री, 11वीं में भी थर्ड डिग्री, 12वीं में फेल हो गई भाई। मतलब पढ़ाई में एकदम नील बटे सन्नाटा। हालात ऐसे कि पेट भरने के लिए चलाया टेम्पो, जेब से फटे हाल, तो भिखारियों संग बिताई रातें, चपरासी तक बन पड़ा, कुत्तों को घुमाने की नौकरी कर डाली, गर्लफ्रेंड ने साथ दिया तो बन गए आईपीएस। जी, मनोज शर्मा पर वो शेर पूरी तरह झूठा बैठता है जिसमें शायर कहता है, इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना आदमी हम भी थे काम के। इश्क और रिस्क से भरपूर ये वो छोटी छोटी बातें आईपीएस मनोज शर्मा के बारे में, जिन्हें विस्तार से जानेंगे तो जीवन में कभी ना हार मानने वाले जज्बे को हर पल बढ़ता हुआ पाएंगे। मनोज शर्मा की कहानी शुरू होती है मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक रूप से मजबूत शहर मुरैना से। वही मुरैना जहां के बीहड़ों में कभी बागियों के बारूद की गंध से हिंदुस्तान भर में दहशत फैल जाती थी, ऐसे मुरैना शहर में जन्मे मनोज शर्मा, जहां उनकी जिंदगी किसी आम गरीब परिवार के बच्चों की तरह बीत रही थी। मनोज शर्मा की गरीबी तब अभिशाप बन गई जब वो पढ़ाई में भी डब्बा गोल निकले। शर्मा की जिंदगी पर उनके दोस्त ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है 12th फेल, हारा वही जो लड़ा नहीं। इस किताब में मनोज शर्मा ने वो सब कुछ बताया है जो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं। अपने स्कूली दिनों के बारे में बताते हुए वो कहते हैं, 11वीं तक नकल करके पास हुआ, 12वीं में इसलिए फेल हो गया क्योंकि नकल नहीं हुई। सोचता था कि 12वीं में नकल मारकर पास करने के बाद टाइपिंग सीखकर कहीं ना कहीं नौकरी कर लूंगा, लेकिन उस साल एसडीएम के सख्त निर्णय से मुरैना में नकल नहीं हो सकी। इसका असर ये हुआ कि जो मनोज 9वीं, 10वीं और 11वीं में नकल करने के बाद थर्ड डिग्री में पास हो रहे थे, 12वीं में हिंदी को छोड़कर सभी विषयों में फेल हो गए। लेकिन इस घटना ने मनोज शर्मा की जिंदगी जीने का नजरिया ही बदल दिया। अपने ऊपर लिखी गई किताब में मनोज आगे कहते हैं, एसडीएम के उस निर्णय का मेरे ऊपर गहरा प्रभाव पड़ा। मैंने सोचा इतना पावरफुल आदमी कौन है। बस उसी समय मैंने ठान लिया कि मुझे भी एसडीएम बनना। दिल और दिमाग में अफसर बनने के जुनून ने जन्म तो ले लिया, लेकिन 12वीं फेल होने के बाद जिंदा रहने के लिए कुछ काम धंधा भी जरूरी हो गया था। इसीलिए अपने भाई के साथ मुरैना में ही टेम्पो चलाने का काम करने लगे। इसी दौरान उनका टेम्पो पुलिस वालों ने पकड़ लिया। परेशान मनोज से किसी ने कहा, तुम्हारा टेम्पो एसडीएम ही छोड़ सकते हैं। फिर क्या था, मनोज उसे छुड़ाने के लिए एसडीएम के पास चले गए। मैं एसडीएम के पास टेम्पो छुड़ाने के लिए गया था, लेकिन मैंने उनसे अपनी प्रॉब्लम के बारे में बात करने के बजाय उनके एसडीएम बनने की तैयारियों के बारे में बात करने लगा। उनकी बात सुनने के बाद मैंने तय कर लिया कि अब यही बनना है। अपने सपने की चिंगारी को सीने में सुलगाकर मनोज ने एक दिन मुरैना छोड़ दिया और ग्वालियर आ गए। इस बीच मनोज थर्ड डिविजन में 12वीं पास हो चुके थे, लेकिन ग्वालियर आकर उनका सामना उस सच्चाई से हुआ जो किसी को भी तोड़ कर रख दे। लेकिन ग्वालियर दुर्ग की तरह उनके सपने चट्टान की तरह अडिग हो चुके थे। मैं घर से थैला लेकर ग्वालियर आ गया। पैसे नहीं थे, इसीलिए भिखारियों के पास सोता था। खाने तक को कुछ नहीं था। एक दिन किस्मत ने साथ दिया और एक कॉलेज में लाइब्रेरियन कम चपरासी की नौकरी मिल गई। यहां मैंने गोर्की और अब्राहम लिंकन को पढ़ा, मुक्ति बोध को जाना और फिर तैयारी शुरू कर दी। इन्हीं कोशिशों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए मनोज शर्मा ने दिल्ली की ट्रेन पकड़ ली, लेकिन दिल्ली आकर जिंदगी अभी और कड़ा इम्तिहान लेने जा रही थी। जेब में पैसे नहीं थे और ख्वाब आसमान को छूने का पाल लिया था।
इसीलिए सुबह सुबह 400 रुपए में अमीरों के कुत्ते को घुमाने की नौकरी शुरू कर दी। साथ ही उन्हें एक टीचर विकास दिव्य कीर्ति शर्मा ने बिना फीस के पढ़ाना शुरू कर दिया। कमाल देखिए, मनोज शर्मा ने पहले अटेम्प्ट में ही यूपीएससी का प्री क्लियर कर लिया। इस बीच मनोज एक लड़की श्रद्धा जोशी से एक तरफा प्यार कर बैठे, लेकिन उसके सामने इजहार करने से डरते रहते। आखिरकार एक दिन हिम्मत करके उन्होंने श्रद्धा से एक लाइन में अपने दिल की बात कही, तुम हाँ करो और साथ दो तो मैं पूरी दुनिया को पलट दूंगा। श्रद्धा ने हाँ कहा तो मनोज शर्मा ने चौथे अटेम्प्ट में 121वीं रैंक के साथ यूपीएससी निकालकर दुनिया पलट के दिखा दी और 2005 में महाराष्ट्र कैडर से आईपीएस अफसर बन गए। इसी बीच मनोज शर्मा ने ग्वालियर से पोस्ट ग्रेजुएशन पूरी करके पत्रकारिता में भी पीएचडी पूरी कर ली। यही श्रद्धा अब उनकी पत्नी। मनोज शर्मा महाराष्ट्र पुलिस के एक वाक्यपटु और सुलझे हुए अफसर। सीएए प्रोटेस्ट के दौरान प्रदर्शनकारियों को समझाने का उनका एक वीडियो जबरदस्त वायरल हुआ था। तब लोगों ने उनकी सूझबूझ की बड़ी दाद दी थी। सारे भाइयों को जो आज इकट्ठा हुए, उन सबको पुलिस की तरफ से हमने पूरी ताकत से आपका सहयोग करने की कोशिश की है। सारे लोगों की इच्छा थी, बार बार हमारे पास आप लोगों का अनुरोध था कि आप हमको इकट्ठा होने दीजिए, अपनी बात रखने दीजिए। और लोकतंत्र में हर एक आदमी को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। मेरा आपके तमाम मौलाना मौलवी और जो अच्छे सम्मान लोग हैं, उन सबसे हमने गुजारिश की थी कि आप लोग अपने लोगों को इकट्ठा करके अपनी बात रखिए और ये संदेश दीजिए कि मुंबई में जो लोग हैं वो हिंदू और मुस्लिम को और पुलिस में कोई अंतर नहीं है। आप सबको पता है कि मुंबई पुलिस का जो खून है उसका कोई रंग नहीं है। मुंबई पुलिस को पता नहीं है कि हम कौन है, हम हिंदू है या मुस्लिम है। आज आपका जो खुशू इकट्ठा हुआ है अपनी बात रखने के लिए, मौलाना साहब ने अपनी बात रखी है। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, दिल से गुजारिश करता हूँ कि जब तक शांति से अपनी बात रखते हैं तब तक हम आपके भाई हैं। और जब आप अपने हाथ में कानून लेने लगते हैं तो फिर हमारे लिए मजबूरियां हो जाती हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि इसके बाद एक स्पीच होने वाला है, स्पीच के बाद खत्म होने के बाद राष्ट्रगान होगा और राष्ट्रगान के बाद हम अपनी जो जो विरोध की बात थी सब दर्ज करा चुके, अपने अपने घर जाएंगे हम। और एक बात, लास्ट बात, निर्मल नगर और इस एरिया के सारे इलाके के लोगों को हम एक एक लोगों को जानते हैं, एक एक लोगों से हमारा संबंध है, रोज का संबंध है, वो सब हमारे अजीज हैं। पर कोई एक आदमी गड़बड़ करता है और सब बदनाम होते हैं, ये भी याद रखिए। कृपया करके किसी को भी ये मौका मत देने दे, किसी को भी ये अधिकार नहीं देने दे। मुंबई पुलिस और निर्मल नगर के बीच में कोई नहीं आ सकता, नहीं आना चाहिए। सबको बोलिए आराम से जाए, विधिवत रूप से जाए। और आपने जो विरोध दर्ज कराया है उस विरोध दर्ज कराए हुए चीज को सरकार तक पहुंचाने की जवाबदारी हमारी। आपने जो बातें बोली है उन सबको हम सरकार तक पहुंचाएंगे, कि जवाबदारी हमारी है। अब मैं आपसे निवेदन करता हूं कि ऐसी ही सूझबूझ भरी बातों से शर्मा आईपीएस अफसर भी बने थे, वो भी तब जब उनकी इंग्लिश काफी कमजोर थी। यूपीएससी इंटरव्यू बोर्ड के एक सदस्य ने एक साल के गैप को लेकर बात की, साथ ही पूछ लिया कि आपको इंग्लिश नहीं आती, आप कैसे प्रशासन संभालेंगे। तब मनोज शर्मा ने सच सच बताते हुए कहा, मैं फेल हो गया था, लेकिन इस बीच एक इंटरव्यू करने वाले मेंबर ने कहा पानी पी लीजिए। तब मैंने कहा ये पानी नहीं पीऊंगा, ये कांच के ग्लास में पानी, मैं स्टील के ग्लास में पानी पीता हूँ। इंटरव्यू बोर्ड के अध्यक्ष इस बात से थोड़े नाराज हो गए, फिर बोले ये क्या बकवास है, कांच के ग्लास में पानी है तो आप पानी नहीं पियेंगे। मैंने उत्तर दिया कि सर मैं यही तो बोल रहा हूँ कि पानी महत्वपूर्ण है या ग्लास। तब उनको समझ में आया कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये मनोज शर्मा की वाक्य पटुता थी जो ये समझाने में सफल हुए कि भाषा महत्वपूर्ण नहीं होती,
काम महत्वपूर्ण होता है। वही मनोज शर्मा इस वक्त मुंबई वेस्ट रीजन के एडिशनल कमिश्नर है। 44 साल के आईपीएस मनोज शर्मा की कहानी किसी भी युवा के लिए प्रेरणादायक कहानी, जो हमें सिखाती है लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती।